नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप पेशे के लिए तड़प रहे हो। आपके जुनकाल में पेशों की ज़रूरत बढ़ गई है, आपके जुनकाल में मुसीबत बड़ी आई है और पेशे कम पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पेशा संभाल नहीं पाओगे, यूं कहें पेशों में आप डूब जाएंगे। दोस्तों इतना पेशा आएगा कि पूरा जीवन इधर का उधर हो जाएगा, खाई से लेकर ऊंचाई का सफर आपका बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यश में आप इस बात को सोचेंगे कि पेशों की दिक्कत आखिर किसको नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेशों की दिक्कत सबको है, लेकिन दोस्तों सब में और आप में बहुत ज़्यादा फर्क है और यह फर्क को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवनकाल के सबसे बड़े मूल मंत्र आपको देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, अक्सर आपके जीवनकाल में ऐसा हुआ है, ऐसा बात नहीं कि पेशा आपके पास नहीं आया था। दोस्तों आपके पास पेशे तो बहुत आते हैं, लेकिन दोस्तों एक इधर से आते हैं तो फिर उधर चले जाते हैं। एक समस्या अगर यहाँ पर शांत होता है तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जिनके कारण आपके पेशे का जो हुआ है वो होता ही रहता है। दोस्तों हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी दोस्तों आपको इस बात का पता चलेगा कि आखिर यह वीडियो आपकी जुनकाली के लिए कितना आवश्यक है। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव के अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों आप सबको बता दें कि पिछले समय में आपने सब चीज़ों को देखा है। दोस्तों पिछले समय में आपने सुख भी देखा है, जहाँ पर आपको अच्छे आनंद की अनुभूति हुई है, और पिछले समय आपने दुख भी देखा है। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दें कि पिछले समय में जो भी आपकी उम्मीद थी वह पूरा नहीं हुआ है। आप सबको बता दें कि आप अपने दिलो दिमाग पर यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे आने वाला आपका जो कल होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा और पेशे आपके पास ज़रूर आएंगे। जिन पेशों के लिए आप अभी इस वक्त तड़प रहे हैं, एक समय वह पेशा आपके भी पास जरूर आएगा। ये दोस्तों ऐसी चीज़ें आपके मन में चलती है और आपके दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, दिन रात एक करके आप अपने कार्यों में लगे रहते हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाहे आप कितने भी दुख में दर्द में क्यों ना हो, कितने भी आपके जीवनकाल में संकट समस्याएं क्यों ना हो, दोस्तों आप हर समस्याओं का समाधान अपने मुस्कुराहट से करते हैं। हमेशा अपने चेहरे पर आप मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं। जी दोस्तों, और ये आपके लिए सबसे बड़ी खूबी होती है, जो कि आपके भाग्य को भी चमकाता है और आपके जो दुश्मन हैं उन्हें भी जलाता है, क्योंकि दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों को किसी के सामने व्यक्त ही नहीं करते, जिनसे सामने वालों को किसी प्रकार की खुशी हो। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी दुखों को आप अंदर ही दबा कर रखते हैं और चेहरे पर जो मुस्कुराहट रखते हैं, इनकी वजह से दुनिया आपके रुतबे का जो है कायल हो जाती है और आपसे करीबी लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। जो आपके करीब के लोग होते हैं वह तो जाने अनजाने में आपसे एक बार दिख जाए तो दोस्तों आपके चाल चलन को देखते ही उनको चीड़ आने लगता है। जीवनकाल में कुछ करने की, कुछ बनने की आपके अंदर अनेक तमन्नाएं होती है, आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्वाहिश होती है, कुछ ऐसे भी जज्बा होता है कि आप अपने जीवन में आपका जो भी मनपसंद कार्य है, मनपसंद गाड़ी है, घर है, बंगला है या फिर बच्चों की परवरिश है, दोस्तों आप उन्हें प्राप्त कर सकें, उन्हें हर चीज़ सुख को दे सकें, अपने मनपसंद चीज़ों को आप खरीद सकें। जे दोस्तों, और आप उन सभी के लिए एक अलग ही लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने समाज में हर क्षेत्रों में आप सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश दूसरों से अलग होती है, उसे प्राप्त करने के लिए आप जीतोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि कभी कभार आपके जुनकाल में ऐसी घटनाएँ आती है, ऐसी परिस्थिति खड़ा हो जाता है कि दोस्तों समय की मार और जो भी आपके जुनकाल में जिम्मेदारी है, जो भी आपके जुनकाल में आपका जो कर्तव्य है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आप अपने अरमानों का गला दबा लेते हैं, यूं कहें अपने ख्वाहिश को आप छोड़ देते हैं और दोस्तों सामने वाले की ख्वाहिश पर आप ध्यान देते हैं। जो भी आपके जीवनकाल के घर परिवार के सदस्य हैं, उनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लेकर आप पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हमें यह कार्य छोड़ देने चाहिए।
और ऐसे समय में समय की भी आपको मार पड़ता है। आप देखते हैं कि जब आपकी बुरी परिस्थिति चल रही होती है तो दोस्तों आपको नुकसान ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते हैं कि जिस स्थिति में आप अभी हैं, जो भी परिस्थिति का सामना आप अभी कर रहे हैं, वह आपका मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। आपके बहुत ही बड़े सपने हैं, बहुत ही बड़ी इच्छाएं हैं। आप बहुत ही ऊंचा तक जाना चाहते हैं और आप लोग कोशिश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जितना आपसे प्रयास हो सकता है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, उतना आप मेहनत करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि आपके जीवन काल में पैसों को लेकर जो तंगी है, कुछ ज़्यादा ही यश में बढ़ गया है। पिछले समय के दौरान आपके पास पैसे आते थे, रहते थे, घर परिवार अच्छा भी चलता था। लेकिन दोस्तों कुछ ही महीनों से आपके जीवन काल में, कुछ ही सालों से आपके जीवन काल में ऐसा समय आ गया है कि पैसों की जो आर्थिक तंगियाँ वह बढ़ गई है। महंगाई के साथ साथ आपके जीवन काल में भी कष्टकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, वो भी पैसों को लेकर। आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, वह पैसों को लेकर। कि दोस्तों आज के इस युग में हर जगह पैसों का नाम लगा हुआ है। जहाँ भी जाएंगे तो पैसों की सबसे पहली मांग होती है। आप कोई भी हैं, कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, सबसे पहले पैसे से ही लोग बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन काल में और भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो कि आपको सोचने पर भी कभी कभी मजबूर कर देती है। कि दोस्तों आप इतने जीवन काल में मेहनत करते हैं, आपके जीवन काल में इतने ज़्यादा दर्दनाक घटनाएँ घटी होती हैं, कभी कि भी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा अभी भी दुखी होते हैं। कभी दोस्तों आप अकेले में अगर बैठ जाए और उनके बारे में सोचने लगे तो दोस्तों आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। हम आप सभी को बता दें कि आपकी जो मंजिल है वह आपको अवश्य मिलेगा। और दोस्तों वह समय दूर नहीं है, वह समय बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि इस महीने के बाद आपके जीवन काल में ग्रहों की चाल बदल रही है। शनि, शुक्र और गुरु की जो स्थिति होगी आपके लिए आपके लाभ क्रम को दर्शा रहे हैं। और भगवान शनिदेव तो न्याय की देवता है जी दोस्तों, वे आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात पर आप विश्वास रखिए। आप सभी को बता दें कि भले ही लोग भगवान शनिदेव के नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिनके भी मन में कोई छल नहीं होता, निश्चल भाव, निश्चल स्वार्थ का व्यक्ति कभी भी ये सब बातों से नहीं डरते हैं कि भगवान शनिदेव क्रूर देवता है। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव भले ही शत्रु ग्रह में आते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि ये देवताओं के राजा भी कहलाते हैं, न्याय के धीश कहलाते हैं और सभी जातकों के ऊपर यह न्याय का तीर छोड़ते हैं जी हाँ दोस्तों। और आप सभी के जीवन काल में भी अब आपको न्याय मिलने वाले हैं। पिछले समय की जो भी मेहनत है उनका परिणाम अब आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों। आपको बता दें कि ग्रहों की चाल में अब परिवर्तन आपके होने वाले हैं, आपकी कुंडली में भी बहुत ही अच्छा बदलाव होगा। और दोस्तों यह भाग्य अब आपका बदल जाएगा। जो समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं दोस्तों, वह आप बदलने वाले हैं। और दोस्तों भाग्य बदलने के कारण आप सभी के जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले जीवन काल में आपको जो ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही है पेशों को लेकर, तो दोस्तों वह पेशों को लेकर समस्याएँ आपकी दूर होने वाली है जी दोस्तों। और इनके लिए आपको कुछ उपाय को भी करना चाहिए जो कि दोस्तों आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इन बातों को भी आप ध्यान से सुने जी दोस्तों। हम आप सबको बता दें कि अब आपके जीवन काल में करियर के क्षेत्र में जो भी आपकी रुकावटें बढ़ रही थी, जिनमें आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था दोस्तों, अब उनमें भी गति आने वाली है। आपको बता दें कि करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लाभ के मौके फिर से आपके भविष्य में खुलेंगे जिनमें आपको नुकसान हुए थे जी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर परिवार का माहौल भी जो पिछले समय बहुत ही बुरा चल रहा था दोस्तों, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। आप सबको बता दें कि पिछले समय में आपके साथ कुछ लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया है, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं पहले कि भगवान शनिदेव हैं, वह अन्याय को कभी भी सहन नहीं करते। जो अन्याय करते हैं उन्हें सजा भी वह देते हैं जय दोस्तों। और यह समय आपके दुश्मनों को भी अब सजा मिलने वाली है। उनके जीवन काल में भगवान शनिदेव का कहर टूटने वाला है जय दोस्तों। और आपके रास्ते में जो भी लोग कांटे बनते थे यह समय दूर होने वाले हैं। और जीवन काल आपका बहुत ही स्वच्छ और सुनहरा बनने वाला है जय दोस्तों। ऐसे में अब आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको हर समय में, हर परिस्थिति में अपने कदम को फूक फूक कर रखना है जय दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके जीवन काल में अब मेहरबान हो चुके हैं।
आपकी जुनकाल की सारी समस्याओं का यूं कहें तो अब अंत ही हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने से जो ग्रहों की नई चाल बदल रही है, जो ग्रहों की परिवर्तन हो रही है, जो आपके भाग बदल रहे हैं, इनमें दोस्तों आपको हर चीज़ मिलेगा। जी दोस्तों, पेशों को लेकर समस्याएं तो खत्म होंगी ही। शादी पार्विक जीवन में भी जो भी आपकी नोकझोंक चल रही थी दोस्तों, उनमें भी यश में सुधार होगा। शादी आपको बता दें कि बच्चों को लेकर आपको बहुत ही शुभ समाचार मिल सकते हैं। बच्चे की ओर से आपको कुछ ऐसा नया चीज़ देखने को मिल सकता है जो कि आपके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित करेगा। हम आप शुभ को बता दें कि दोस्तों, जिस बुरे वक्त में आपने सभी का साथ दिया था और उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था, तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि फिर से उन लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोबारा जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है दोस्तों, दोबारा उन पर भूल कर भी विश्वास मत करना। हम आपको एक बात और भी याद दिला दें कि यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी अपनी गीता में कि हमेशा अपने दुश्मन को, जो भी आपके विरोधी हैं, वह गलती करता है, वह आपको धोखा देता है, तो उन्हें माफ़ करके एक बार अच्छे इंसान बन जाओ समाज की नज़रों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति आपको धोखा दे चुके हैं, उन पर आँख मूंद कर यूँ कहें तो उनके साथ रहने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों दोस्तों, जो सांप होते हैं वो कभी भी अमृत नहीं उगलते, हमेशा वो विष को ही देते हैं, और विष के आसपास होने से भी आपको उनका जहर लग सकता है। तो दोस्तों, हमारा आप सभी से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि ऐसे सांप वाले लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को जीवनकाल में एक और बात बता दें कि अब से अपने जीवनकाल में आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पेशों को लेकर जो भी फिजूल खर्चे आप किए थे दोस्तों, अब उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। जहाँ पर आपको पेशों की जरूरत लगे, वश में सोच समझ कर उन्हें इन्वेस्ट करें। कि दोस्तों, पेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी होती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि जिस प्रकार तुम खुद की इज्जत करते हो, जिस प्रकार तुम अपने जीवनकाल में अपने आवश्यकताओं को इज्जत करते हो, उसी प्रकार तुम मुझे भी इज्जत करो। मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी तुम्हें सभी के सामने लज्जित नहीं होने दूंगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज से ही अपने जीवनकाल में आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि पेशों की आवश्यकता को देखते हुए ही पेशों का निवेश करें। जी दोस्तों, दूसरे को देखकर कभी भी देखा देखी में पेशे को इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, पेशे को खर्च बिल्कुल ही ना करें। कि दोस्तों, दूसरे की जीवन में और आपकी जीवन में बिल्कुल ही फर्क है। उनका रवैया, उनका चाल चलन और आपके चाल चलन में जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, कभी भी उनको मत देखिएगा, आप हमेशा अपने जीवनकाल की जरूरत को देखिएगा। जिस चीज की आपको जरूरत है, उन्हीं सभी चीजों में आप पेशों को लगाएं। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान अब अपने आने वाले समय में आप रखिएगा। इसके उपरांत दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि अब से आपको अपने जीवनकाल में कुछ चीज़ों का त्याग करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय आपने ऐसे लोगों का साथ समय जाया किया है जो कि दोस्तों, यह समय आपको उनसे सुनकर उन्हें याद करके पछताना होता है। तो दोस्तों, इस बात का याद रखें कि पिछले समय जो भी कार्य आपने किया है, जिन्हें अभी याद करते हैं तो आपको पछतावा होता है। तो दोस्तों, ये जो बात है, इन्हें आप ध्यान में रखें और आने वाले भविष्य में इसका सदुपयोग करें कि कभी भी समय की भी बर्बादी नहीं करनी है। दोस्तों, भगवान हमें जो समय देते हैं दोस्तों, वे हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। जो दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो व्यक्ति समय का सही से सदुपयोग करता है तो दोस्तों, वह छोटी सी उम्र में भी बड़ी सफलताओं को हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति समय का मोल नहीं जानता, जो व्यक्ति समय को यूं ही बर्बाद कर देता है खेलने में, टहलने में, हर प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में, तो दोस्तों उनके जीवनकाल में उनके उम्र तो बढ़ते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनका वह कामयाबी उन्हें प्राप्त नहीं होता जो उन्हें मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अवश्य अपने जीवनकाल में आप इन बातों का भी ध्यान रखें। ये दोस्तों, ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बात आपके पेशों से ही जुड़ी होती है। जी दोस्तों, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपकी जीवनकाल में कभी भी कोई पेशों की कमी नहीं होगी। जी दोस्तों, हर चीज़ आपके जीवनकाल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके उपरांत आपको बता दें कि पेशों से जुड़ी एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो दोस्तों नित्य आपको अपने जीवनकाल में याद रखना है, उपाय करना है। और दोस्तों, इन्हें करने से भी आपके जीवनकाल में जो भी आपकी विपरीत बाधाएँ हैं, जो भी आपके धन लाभ भाव में जो भी ग्रह दोष खराब हैं, दोस्तों ये मंत्र जाप करने से ये जो लाभ भाव के आपके दोष हैं, अत्रुत दोष हैं, वह समाप्त होंगे
और भाग्य का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों इस मंत्रों का भी और इस उपाय का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुने। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि ग्रहों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जो दोस्तों अगर आपकी वनस्पति खराब हो जाए तो पेट की गैस और फेफड़े की समस्या हो जाती है। सूर्य अगर खराब हो जाए तो मुंह से बार बार थूक इकट्ठा होने लगता है, झाग निकलना, धड़कन का अनियंत्रित होना, शारीरिक कमजोर और रक्तचाप में दिक्कत होना यह सूर्य के कारण होता है। साथ ही अगर आपके जीवनकाल में आपका चंद्र खराब हो गया है तो दिल और आँख की कमजोरी होती है। अगर शुक्र खराब है तो त्वचा, दाद, खुजली का रोग होता है। मंगल अगर खराब हो जाए तो रक्त और पेट से संबंधी बीमारी, नासूर, जिगर फोड़ा होना। बुध अगर खराब हो जाए तो दोस्तों चेचक, नाड़ियों की कमजोरी, जीभ और दांत का रोग। शनि अगर खराब हो जाए तो नेत्र रोग और खांसी की बीमारी। राहु अगर खराब हो जाए तो बुखार, दिमागी कोई खराबी हो जाना, अचानक से चोट, दुर्घटना आदि, ये सब राहु के ही चाल होते हैं। साथ ही केतु अगर बिगड़ जाए तो रीढ़, जोड़ों का दर्द, गुप्त अंग संबंधित कोई भी रोग, ये सब केतु के कारण होता है। तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लगे कि आपका सूर्य खराब चल रहा है तो जूठे हाथ से कभी भी शिर को ना छुए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको लगे कि आपका चंद्र खराब है तो दोस्तों पानी को व्यर्थ में बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, इनसे चंद्र खराब होता है। अगर मंगल खराब हो तो दोस्तों कभी भी आप क्रोध ना करें, क्रोध से ही मंगल खराब होता है। झूठ बोलने से आपका बुध खराब होता है। बड़ों का सम्मान न करने से गुरु खराब हो जाता है। पत्नी या फिर स्त्री का सम्मान न करने से शुक्र खराब होता है। आलस्य करने से शनि खराब हो जाता है और चुगली करने से राहु खराब होता है। किसी भिखारी या फिर भिक्षुक का मजाक उड़ाने से केतु खराब हो जाता है। आपके जीवनकाल में अगर ये सब समस्याएं चल रही है, ग्रह दोष चल रहे हैं तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। भाग्य का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ आपको इन कुछ चीज़ों को छोड़ना है और कुछ कार्यों को अपनाना है। तो दोस्तों आप पीछे करके भी उन सभी बातों को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ सूर्य के लिए खराब है और कौन सी चीज़ सूर्य के लिए अच्छा चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।